नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लीली। चलिए रुक करते हैं खबरों का। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में महेश स्थित 623 वर्षीय प्राचीनतम ऐतिहासिक राखी डोर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खींची। सबसे पहले प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने काफिले के साथ जगन्नाथ मंदिर गई। वहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और फिर मंदिर प्रांगण में बने मंच से ममता बनर्जी ने महेश के उन्नयन की झड़ियां लगा दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पैदल चलकर महेश रथ तक पहुंची। वहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करने के बाद ऐतिहासिक रथ की टोर खींची। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए थे। वहीं जय जगन्नाथ के साथ जय श्री राम के नारे का उद्घोष हुआ, लेकिन जय श्री राम के उद्घोष पर भड़की ममता की पुलिस ने अति उत्साहित राम भक्तों को भगवान जगन्नाथ की टोर खींचने से पहले ही धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हुगली से जय चौधरी की रिपोर्ट। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में डीएम अभय सिंह ने छापा मारा और खामियों पर सीएमएस को फटकार लगाई। डीएम के थैलेसीमिया वार्ड में मिली गड़बड़ी पर सीएमएस को खूब फटकार लगाई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि डीएम ने निरीक्षण के दौरान शहर जिला अस्पताल के वार्डों में लापरवाह स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी व्यवस्था तक पुख्ता नहीं कराई थी। इस दौरान अस्पताल में लचर व्यवस्था देखकर डीएम भड़क गए। डीएम ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों को फटकार लगाते हुए व्यवस्थाओं में तुरंत सुधार करने के निर्देश दिए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि डीएम के तमाम निरीक्षणों के बाद भी बुलंदशहर स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। नया जिला अस्पताल के कुछ वार्डों का औचक निरीक्षण किया गया है और उसमें कमियां पाई गई हैं, उसको दूर कराने के लिए बोला गया है। जैसे थैलेसीमिया वार्ड में फिल्टर का एक समस्या बताई जा रही है, बाकी चीज है, तो उसमें ये एक प्रयास कर रहे हैं कि जो भी है अच्छे से अच्छे क्वालिटी का चीज उपलब्ध कराए, क्योंकि काफी थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे यहाँ पर। इसके अलावा बाकी वार्ड्स का निरीक्षण किया गया है। रैनबसेरा जो है ऑपरेशन करने को कहा गया है, पहले भी एक बार इसका निरीक्षण किया गया था, उसमें कुछ कमियां थी वो दूर कराई गई हैं और उसके बाद भी अभी भी कुछ कुछ जो कमियां हैं वो दूर करा रहे हैं। औचक निरीक्षण बार बार लगातार किया जाए। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए, कई कमियां थी, चाहे वो वार्ड को ऑपरेशनल करने में, चाहे सफाई को लेकर, चाहे रैनबसेरा, उन सभी पे काफी कार्य हुआ भी है और बचा जो कार्य वो शीघ्र करा रहे हैं। बुलंदशहर से यतिन शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, रुकेंगे यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के कटनी में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर में संचालित पेट्रोल पंपों में जांच की और कार्रवाई की गई, जिसमें टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए मशीनों की जांच की। जिला प्रशासन को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि शहर के पेट्रोल पंप निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं। कलेक्टर ने शहर में संयुक्त टीम बनवाकर छापामार कार्रवाई की, जिसमें एक पेट्रोल पंप पर निर्धारित मात्रा में कम पेट्रोल पाया गया, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए मशीन पर पंचनामा की कार्रवाई की गई। साथ ही आगे की कागजी कार्रवाई के लिए कटनी कलेक्टर को कार्रवाई के दस्तावेज सौंपे जाएंगे। पेट्रोल पंप पे आज एक साथ कार्रवाई हुई, जो मिशन चौक स्थित पेट्रोल पंप है उसमें कोई अनियमितता नहीं पाएगी। बरगामा में जो है उसमें भी कोई अनियमितता नहीं पाई गई, लेकिन नदी पार वाले एरिया में अनियमितता पाई गई। उसके स्टॉक को जब्त कर गए और उनके सुपुर्दगी में दिया गया। अचानक पेट्रोल कटनी फ्यूल्स के नाम से। कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के अमेठी पुलिस और लखनऊ एसटीएफ की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर मिलावटी शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लखनऊ जगदीशपुर रोड पर मुखबिर की सूचना पर लखनऊ की तरफ से आ रहे कंटेनर को पुलिस ने घेराबंदी कर रुकवा कर जांच की, तो कंटेनर से अवैध मिलावटी देशी शराब, मिथाइल अल्कोहल और भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरे साथ बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।